सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ रेजिश्योर के दो न्यू क्लींजिंग पैड. एक है ग्लाइकोलिक एसिड एंड एक सैलिसिलिक एसिड क्लींजिंग पैड. दोनों ही बहुत अच्छे क्लींजिंग पैड हैं. ये आपकी एक ऑयल को कंट्रोल करता है, स्किन में इम्प्रूव करता है, टेक्सचर अच्छा बनाता है एंड एक डीप पोर्ट्स को क्लींजिंग करता है. जो हमारे डीप पोर्ट्स होते हैं उनको क्लीन करता है, एक्ने ट्रीटमेंट करता है. तो दोनों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोलिक एसिड क्लींजिंग पैड के बारे में, जो कि ऑयल कंट्रोल करता है, ब्लेशनेस इम्प्रूव स्किन एंड टेक्स्चर अच्छा बनाता है. तो इसमें मिलते हैं हमें 50 पैड्स पूरे, और ये कुछ इस तरीके के कॉटन छोटे छोटे से इस तरीके के होते हैं, आप देख सकते हैं. और इस पे है यहाँ पे डॉट डॉट, देख सकते हैं आप, बना हुआ डॉट डॉट जैसा बना हुआ है. तो ये क्या काम करता है मैं बताती हूँ. एक सबसे पहली बात कि ट्रैवल फ्रेंडली है, ठीक है. इसमें आपको 15 पैड्स मिल रहे हैं और इसको आप कहीं भी ईजीली कैरी करके ले जा सकते हैं और अपने बैग में. और ये क्या क्या वर्क करता है मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले तो ये आपकी स्किन को ग्लोइंग एंड स्मूथर स्किन बनाएगा, हेल्प्स टू बूट कोलेजन लेवल एंड एंटी एक्ने, और रिमूव डर्ट एंड ऑयल को रिमूव करेगा. आप इजीली इससे अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं, डर्ट क्लीन कर सकते हैं एंड उसके बाद आप इसे पूरा क्लीन करने के बाद इसको थोड़ा सा ड्राई होने के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं. कुछ दिन तक आप यूज़ करेंगे आपको फर्क पता चल जाएगा. एंड ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. तो इसके बारे में तो ये खूबी है. इसकी खूबी क्या है, ये एक्ने ट्रीटमेंट है एंड डीप पोर्ट्स जो क्लीन नहीं हो पाते ये उसको क्लीन करता है. सेम इसमें भी, तो इसमें पूरे 50 पैड हैं और ये भी सेम उसी तरीके का दिखता है, बट इसका जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही अच्छा है. और ये क्या वर्क करता है, जैसे कि मैंने, तो ये जो है वो वर्क करता है, हेल्प हमारी स्किन को क्लेरिफाई करता है, हाइड्रेट करता है, एक्स्ट्रा एक्सेस जो ऑयल होता है उसको हटाता है, ओपन एंड क्लोज स्किन पोर्ट्स को ठीक करता है एंड हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा है. एंड इसके इंग्रेडिएंट जो है मेंथॉल है इसके अंदर एंड इसके साथ साथ इसमें सैलिसिलिक एसिड है और इस वाले में है ग्लाइकोलिक एसिड है. तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं. अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं, लिंक मैंने इनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आप इजी इनसे अपना क्लीन कर सकते हैं, अपना स्किन को देख सकते हैं, आप तुरंत ये डर्ट को करते हैं, रिमूव करते हैं. फेस पे मेकअप है तो आप इससे डायरेक्टली अपने मेकअप को भी रिमूव कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं. आप देख सकते हैं क्लीन हैंड्स पे भी इन्होंने डर्ट आपको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं. ये जो इसके जो ये इसमें डॉट डॉट जो दिए हैं वो एक बहुत ही अच्छा, मतलब हमारे मेकअप को रिमूव या हमारे स्किन पे से डर्ट निकालने में बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्प करेंगे. सो अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं. एंड सीरियसली बहुत अच्छे हैं. आप वाइप्स खरीदते हैं बहुत सारे और ऐसे करते हैं, वो सिर्फ क्लीनिंग के लिए होते हैं, बट इनसे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. एक से आपको ऑयल कंट्रोल होगा, आपका स्किन टेक्सचर अच्छा होगा एंड एक आपकी जो डीप पोर्ट्स है उनको भी क्लीन करेगा, एक्ने ट्रीटमेंट करेगा. सो ये फर्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई चीज़ है जिससे आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकती हैं. ऐसे पैड्स जो है रेजिश्योर ने लॉन्च किए. सो अगर आप परचेज करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करिए. थैंक यू. सो गुड मॉर्निंग गाइज, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दादी की आँखों का ऑपरेशन यहाँ पे हो चुका है और अभी वो ठीक हैं. और इस ब्लॉग में आपको मैंने मम्मी भी दिखाई हैं. कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि आंटी जी कैसे हैं, डीएम भी कर रहे थे. तो कौन है ये? कोई नहीं है. कौन है ये? कोई नहीं. ये कौन? बासु. ये बासु तो ये है. ये कौन है? बड़ी नानी. बड़ी नानी को आंखों में चश्मा क्यों लगाया है? उतार दो. ऑपरेशन हुआ है ना, ऑपरेशन से बड़ी नानी की आंखें सही हो जाएंगी ना. अभी दिखता नहीं है ना नानी को. अभी तो दिखता है चिंपैंजी, अब तो दिखता है ना बड़ी नानी को. हाँ. है ना, दवाई डाली थी नाना ने नानी की आईज में. हाँ. अभी नानी की आंखें सही हो जाएंगी. आप मुझे खाई नहीं दे रहे. नहीं खाई दे रहे. नहीं खाई दे रहे. अच्छा ठीक है, दे रहे हैं. लाओ दो. है ना, दे दो.
चलो। सो यहाँ देख सकते हैं आप क्यूट सा एक बड़ा एक छोटा सा डॉगी जो है वो मस्ती कर रहा है, और इनको देख के ना मुझे इतना वो अच्छा लग रहा था। मतलब मैं यही देख रही इतना छोटा सा है इतना बड़े के तो कितना प्यारा होते हैं। मुझे डॉग्स बहुत, डॉग्स नहीं एक्चुअली कोई भी जानवर कुछ भी एक्टिविटी करता है ना छोटी छोटी अच्छी सी क्यूट में, वो चीज़ें कैद करने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब अच्छा सा फील होता है। किस किस का ऐसा होता है बताना, कोई भी डक के बेबी हों या ये जो हैन होती है उनके बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं छोटे छोटे, उनको भी ये करने में मज़ा आता है। और ये देख सकते हैं हमारे घर के बाहर ये जो रात की रानी का ये है, कितना बड़ा हो गया, इतना सुंदर दिखता है ना ये बहुत ही ज़्यादा। और रात को ही वो फूल खिलते हैं सारे। ठीक से मेरे से तो मम्मी ही बनाई थी, क्योंकि इस दिन मैं जस्ट बैठी थी और देख रही थी कैसे बनेंगे, एक दो बनाया वो बिगड़ रहे थे तो मैंने कि मैं नहीं बना रही आप खुद बना लो। तो इस दिन तो मम्मी ने खुद ही बना लिए, बट उसके बाद जो बने हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे आके, बहुत अच्छे बने। और मैंने बनाए मम्मी ऐसे, अभी मम्मी वापस जा रही है वहाँ पर डालने के लिए, लेकिन जब हमने सेकेंड डे बनाए तो वहाँ पर टैनी मेरे मैं बना देती थी, टैनी को देती थी, टैनी नानी को देके आती थी, नानी वहाँ डाल देती थी, ऐसा हो रहा था यहाँ पर। और बहुत ही मज़ा आया था उस टाइम पे हमें ये सब करने में, मतलब कल जो बने थे उसमें। हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ से मेरा अभी ये सेकंड व्लॉग है जो आप लोग के पास स्टार्ट हुआ है, और मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कौन कौन मम्मी की। सारे लोग पूछ रहे थे मम्मी की तबीयत कैसी, तो यहाँ तो अम्मा खाना खा रही, अम्मा हेलो करो। ठीक है, अम्मा का ऑपरेशन हो चुका है, मम्मी की तबीयत अभी ठीक है। सब ने पूछा था कि आंटी जी कैसी हैं, स्वीटी और सिंपल जो खुशी है वो नहीं दिखाते हैं, तो हेलो कर दो। हेलो मतलब बोलो तब कहीं हेलो। तो और मैं और सिंपल आज जा रहे हैं हम लोग मूवी देखने, रूही मूवी लगी हुई है। तो मम्मी के भी दीप पर ठीक है, और टैनू भैया कहाँ हमारी टैनू माता, और टैनू ओ छुप गया है, तेनू माता यहाँ छुप गया है, क्या कर रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ तो डल ले, मैं वहाँ से जाए, वहाँ से जाए। अरे तो आई वहाँ से जाए, तो आई वहाँ से जाए। और सिंपल हमारी रेडी हो रही है, सिंपल ने ब्लॉगिंग हेलो सब लोग। हाँ ठीक है ना लो। सो हम लोग निकल रहे हैं बस, और देखते हैं कैसे मिलता है, जो भी होता है आप लोगों को मैं बताती हूँ, अपडेट करती हूँ।
ओके गाइस, सो मेरे साथ एक हो गया ये प्रॉब्लम ये हुई है कि मैं कुछ क्लिप्स मेरी जो है वो डिलीट हो गई। मेरे को वीडियोस कंटिन्यू डालने थे, आप लोग के साथ शेयर करने थे, बट मेरे वीडियोस जो है वो डिलीट हो गए। मतलब वैसे तो मैं एक दिन स्किप करके डाली रही थी और ऊपर से ये और हो गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी, मैंने देखा कि उसमें सब वो हो गया है, क्या बोलते हैं, क्या लगा इस पर वीडियो सारी वो हो गई हैं, डिलीट हो गई हैं। पता नहीं मैंने कौन से दिमाग से किया और डिलीट हो गई, बट कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करके आप लोगों के लिए डालूंगी। बट फिलहाल वीडियोस जो थी मेरे पास वो इतनी नहीं थी कि एक ब्लॉग बन सके और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और अभी मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं यहाँ पर सुखाने के लिए, वो सारे कपड़े हुए थे। और अब मम्मी और मैं बनाएंगे यहाँ पर बैठ के पापड़, समझ रहे हो, पापड़ पापड़ बनाएंगे। उस दिन बने थे, थोड़े थोड़े करके बनाते हैं तो चिप्स पापड़ ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं, तो वही मैं बनाऊंगी अभी। फिलहाल दादी नीचे मुझे लग रही भूख, मेरा फेवरेट सब्जी बनाए हैं मट्ठा का आलू से। चलिए तो गाइस, यहाँ से शुरू हुआ है मेरा सेकंड डे में पापड़ बनना। और जैसे कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ और टैनी जो है नानी को दे के आती है, फिर नानी वहाँ से खाली थैली देती है। इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे चल रहा था और बहुत बहुत मज़ा आया था यहाँ पे ये सब करने में। मैं आपको बता नहीं सकती, इतना मस्ती करके पापड़ बनाया और मतलब कब बन के पता ही नहीं चला, आधा घंटे में आराम से पापड़ बन गए। बस इस तरीके से ये बनाना होता था, मैं टैनी को देती थी, टैनी जाके नानी को देती, नानी खाली थैली देती थी टैनी को। इस तरीके से हम लोगों ने पापड़ बनाया और किस किसी घर में चिप्स और पापड़ बन चुके हैं या बन रहे हैं बताना ज़रूर। हाँ तो हम हैं बहुत देर से ऊपर और मम्मी और मैंने मिलके बनाए हैं पापड़। चले मैं दिखाती हूँ पापड़। मम्मी और मैंने ने बनाए टैनी का भी हाथ है पूरा पूरा। मम्मी और मैंने ना इन पापड़ों को वो किया था, मतलब मम्मी ने यहाँ पे डाले हैं और मैंने इनसे दबाए थे और टैनी ने दिए, जैसे वो थैली जो होती है जिस पर लगे रहते हैं, टैनी ने उठा उठा के दिए थे। और अब हम जा रहे हैं नीचे और देखते हैं नीचे में क्या हो रहा है। चलो बम सी बम सी बम 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 बम। टैनी कहाँ है? नानी सो रही है। टैनी तो फोन देख रही है।
छो के उठ गया, तेनी तो छो देख उठ गया बेटा। नानी 5 बज गए 5।